हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? और हमारा ब्लॉग थोड़े लेट आ रहा है, और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। मेरी बेटी का रिजल्ट आया है और उसका उसका नाम पेपर में छप गया है। अब चलिए, हम आप लोगों को दिखाएंगे अभी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्कूल में चलते हैं पहले, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग बैठे हैं, समझता है, और पापा भी बैठे हैं गाड़ी में। हम लोग साथ में जा रहे हैं स्कूल में। तो गाइस, हम लोग स्कूल में पहुंच चुके हैं और हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है आज। हाँ, इम्पल्स इंटरनेशनल स्कूल हम यहाँ पे आ गए हैं। और रुक जाओ, हमको वीडियो पहले बनाने दो। हमको बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मेरी बेटी का फोटो पेपर में छप के आया है। पहले हम लोग ऑफिस में एंटर किए कि वहाँ पे ये सब चेक वो लगा था, मतलब पोस्टर लगा था, उनमें लगा था कि मतलब कौन कौन फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड और कौन सभी का नाम लिखा था, टेंथ टॉपर। उन सब प्रबंधक से हम लोगों ने बात की कि वो तीन तरह के रिजल्ट बता रहे थे, इसलिए उनसे बात हुई हमारी हम लोगों की। गुड मॉर्निंग सर। ये वहाँ के प्रिंसिपल हैं, वहाँ हम लोग गए। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे ये वहाँ के सर हैं, मैनेजर सर, वहाँ पे उनके रूम में मतलब एंटर किया। गुड मॉर्निंग सर। उन्हें बुलाया हमें और मतलब सारी कुछ मतलब बताने लगे कैसे बच्चे का पेपर आया है, 90+ है, तो ये 90+ स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्हें सर ने बताया, समझाया हम लोगों को कि आपकी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया। वो बताना है कि CBSE में होता है कि बेस्ट 5 जो होते हैं सब्जेक्ट उनके जोड़े जाते हैं, तो उस हिसाब से 93% आ रहा था और जो ओवरऑल जोड़ते हैं तब 92 आ रहा है। तो वही सर से हम लोग बात कर रहे थे कि ये कौन सा बेस्ट है, तो उन्होंने कहा नहीं, जो बेस्ट 5 होता है वही जोड़ते हैं हम लोग। मिठाई लेकर आए हैं सभी को घर पे गांव में बांटने के लिए। भरीची खेक मिठाई है, भरीची खेक बर्फी है, स्कूल वालों को खिला के आए हैं। अभी अभी घर घर वालों को और खिलाए हैं, और बाकी बचा है, सब लोग बचे हैं तो उन लोगों को भी खिलाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, सब सब लोग मिठाई और उसका बांट रही है यहाँ पे, टॉपर्स हैं। तो मैं सारी मैम गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। बोला नहीं था उस दिन आगे, मैंने सब क्या बोला था क्योंकि बच्चे सच में मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से वो बच्ची है ना, आप सच में बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे। आप जैसे कहते हैं कि लोग पूजा पाठ करते कुछ करते हैं, वो बच्ची इतनी इज्जत करते हैं कि कल मीटिंग में बात हुई इतना मतलब वो अच्छी लड़की है कि और लड़कियाँ होती हैं जब नंबर पाने के बाद क्या होता है कि थोड़ा उनके अंदर रिस्पॉन्स हट जाता है टीचरों को लेकर, लेकिन वो बच्ची हमेशा एकदम जनूनी डाउन टू अर्थ रहती है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है आपकी बच्ची, सच में नाम रोशन हो। पेपर में फोटो आई आज, आप आज ना आज आपका जो बिजनेस बता रहे हैं ना, ये रियल इन्वेस्टमेंट है। यस सर। एक लौती पढ़ाई है जो आपको इज्जत दिलाती है, एजुकेशन के अलावा कोई भी चीज़ नहीं जो आपको इज्जत दिलाता है, ना पैसा ना पावर कुछ नहीं, वो डर पैदा करता है लेकिन एजुकेशन ही इज्जत दिलाती है। तो आज देखिए, आज आप अनुष्का के पापा बन के आए हैं, आज से अपनी पहचान बनाई है सर। यस सर। बहुत बहुत काबिल तारीफ है सर। मैं कल शाम से सुना हूँ, मम्मी को पता है, अपने गार्जियन को पता है, सबको पता है। अरे मेरे घर की बगल की अच्छी ये उसके सर है ना, जो हम लोग अभी मैं सुन रहा था उसने मेहनत की मेहनत रख लाई, आप सबकी मेहनत रख लाई, चल एक रिजल्ट नहीं होता, टाइम पे आपने खाना दिया, टाइम पे आप फीस ना दिए होते, उसको अच्छी जगह एजुकेशन दी होती, उसका रिजल्ट नहीं है, आप सबका रिजल्ट है। yes. आप सबने टॉप किया, पूरे घर ने टॉप किया, पूरे गांव ने टॉप किया, हर वो आदमी, हर वो बंदी,
हर वो बंदा जिसने उसको सपोर्ट किया उसने टॉप किया, सबने टॉप किया सर। आज जश्न मनाइए, आज आपकी बच्ची टॉप की टेंथ में और ट्वेल्थ में भी टॉप की रहेगी। अक्षरों से मैंने अक्षरों में नाम लिख दिया, आपका सीबीएसई के वहाँ बोर्ड्स में नाम लिख दिया टॉपर्स में, कभी मीटर नहीं मारा रिकॉर्ड सर। 90 प्लस नहीं है, 93 प्लस है। यस लड़कियों में टॉपर है यहाँ की सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वही चीज़ टॉप फाइव में लिए होते ना तो सेकंड पर रहते जी, अगर टॉप फाइव नहीं लिए होते फिर रोल चल गया तो लोग नहीं, टॉप फाइव नहीं होते तो वो सेकंड पर रहते। बात लड़कियों ने टॉप की है ना, आप आज भी देख लीजिए आज इंडिया कितना भी डेवलप कर गया है कि लड़कियों के मामले में भी पीछे है। लड़कियों का सब्जेक्ट हर यूपी बोर्ड में भी आया है, सीबीएसई बोर्ड में भी। क्योंकि मैं देखा हूँ सर ना कि आपने सपोर्ट किया उसे, जैसे आपने उसे उसका बर्थडे मनाया, उसने आपने उसे उस एक मेंटली फ्रीडम दिया आपने कि आप पढ़ो मैं तुम्हारी खुशियाँ मनाऊंगा मैं सब कुछ करूँ। ये थोड़ा है सर, ये थोड़ा है मुकाबला है थोड़ा सा, ये अच्छा आएगा रिजल्ट इसका, अच्छा आएगा उससे, अच्छा आएगा उससे, अच्छा आएगा, लेकिन सिंसियरिटी उसकी उतना नहीं पाएगा। सिंसियरिटी के मामले में बड़ी अच्छी है ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं तुमने खिलाया कराची में नहीं करने का वादा किया था, लेकिन सर सच में आज अच्छा लग रहा है, उसे मैं मिला सबसे आपने से बात की वो मत सही रहा है मन आपका रेवीज में जा रहा है। नहीं सर सच में बहुत काफी रहा, आप कंपेयर मत कीजिए मुझे इसका मैनेजर था चेक हो रहा था वही उन्होंने चेक कर रहे थे इसका जब नंबर जोड़ा गया सच में ना। एक बार मुझे जैसे लड़की पढ़ने में चीज की जिसमें भी 18 नंबर आए एक मैटर छोड़ दिया था किसी किसी के साथ टेस्ट दिया था रिस्पॉन्स भी अच्छा देती है जब क्लास में आती है कुछ समय उसका नहीं आए मंथली टेस्ट हुआ था हाँ मंथली टेस्ट हुआ और ये उसे गेट में आई मैं खुद गया गेट पे खोल गया कि सही मिनट भी लॉस था मैं गेट बंद कर देता पढ़ाते हुए कि बच्चे डिस्टर्ब ना करें आते जाते पीछे वाले गेट से जब उसको मैंने देखा पीछे वाले गेट से आ रही है मैं खुद जाकर सामने गेट खोला कि बच्चे आ रहे जल्दी आए सर टाइम ना लॉस हो। सर आप अगर थोड़ा सा सहयोग करोगे ना तो शायद ट्वेल्व में टॉप हो जाए। ट्वेल्व 95 प्लस और कोई टारगेट ही नहीं है, 95 के नीचे जाना ही नहीं है। एक एक जैसे आप एक किलोमीटर चल सकते हैं तो दूसरे किलोमीटर चलते हैं ना, जैसे आप किसी क्लास पर आ गए तो आगे चलेंगे इसे थोड़ी जाना 93 प्लस हो गया है सर। आप दूसरा फंड कर लिए अच्छा निकलेगा हाँ, मैंने पूरा उम्मीद था कि हम उसका निकलेंगे ना वो ठीक है यार कहीं पढ़ता हूँ नहीं मतलब है लेकिन इनका उम्मीद है कि टॉप करेगी सर। एक चीज़ सोचिए जब जैसे बच्ची है आपकी बच्ची क्या आपकी पढ़ाई नहीं आ गई हर चीज़ में स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में अगर इसको कोई सोशल एक्टिविटी दे दी जाए कोई और बच्चों से नहीं आ ऑल ऑन ई टॉप स्केटिंग चलाने में मन करेगा स्केटिंग में तो देखिए ऑलराउंडर इसका क्या है ऑलराउंड डेवलपमेंट है कि नहीं आपको ये चाहिए कि एक डेवलपमेंट चाहिए स्केटिंग के बाद काफ़ी आगे निकले मना कर अब खुद ही सोचिए आपको एक फील्ड में आगे चाहिए बच्चे की हर फील्ड में आगे चाहिए एक फील्ड मना कर दिया कोई है पढ़ाई करना आज का ऐसा एनवायरमेंट है सर कि अगर हम मल्टी क्लासरूम नहीं तो आपको कोई सही बात है लेकिन मान इसका एडमिशन कहाँ रैंक कोटा करा दें इसका इसका एडमिशन यहाँ तो रहेगी करता आगे के लिए ऑनलाइन पढ़ती रहेगी इसके लिए एरन की तो चलती नहीं कुछ ऑनलाइन एरन बेस्ट यहाँ जो क्लास में टॉप किया हो इसमें एरन नहीं उससे मैं बात नहीं की वो सबसे मेरे घर के बगल होता होता है इंटरव्यू होता है कौन सा वो तो आपका सिलेक्शन के बाद उसके लिए आपको एटलीस्ट 60
720 में आप उसमें तो 650 या 600 हाईएस्ट क्या होगा मुझे पता उसका, मुझे पता है इसका क्या नाम है सर, सर टॉप क्या होगा मुझे पता है क्योंकि बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चे को पढ़ा रहा था तो सर इसको आप ये क्या डिसाइड करना चाहते हैं, हम तो गाइड करते हैं इसी समय क्या करना चाहते हैं आ चुका है सबके लिए, सब लोगों को बांटने के लिए। ये देखो भरी चिकियां का बर्फी, ला खोली छा डब्बा एक एक डिब्बा ले बाकी दही दबा दो सबका घोरा घोरा दियो ये उसी टाइम पर डिलीवरी बॉय भी आए थे यहाँ पे घर पे। हाँ पहले मिठाई खाओ सब लोग, सब लोग पहले मिठाई खा जाओ। यहाँ तो बहुत कटहर फरा है, बहुत ज़्यादा कटहर लगा हुआ है, ये देखो जरा। हाँ इनके लिए, हाँ हम मिठाई देने के लिए हम इन सबको भी मिठाई खाने के लिए आए हुए हैं। और मम्मी तो अरे गाइस ये गोलू है और ये उसकी क्लास में उसी स्कूल में पढ़ता है और ये उसकी क्लास में है। इतना निधड़क सो थी हूँ और सब कहाँ गई गाइस। मिठाई सबको बांट चुके हैं, सबको खिला चुके हैं और अभी टेंथ टॉपर का अभी रिजल्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। ओके तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।